वो बड़ा वाला जी माही जी, आप वही माही हैं जो पहले आई थी या अभी नहीं? अरे शराब जी क्या बात है, मतलब आपकी आवाज कर रही हूँ, आप माही है ना? सही आ रही होगी। हाँ हाँ मैं माही है। कट के आ रही है ना आवाज, क्या करूँ अब मैं आपकी तरफ आके कनेक्शन सही कर दू, क्या करूँ? अभी सही आ रही है, अभी सही आ रही है, नहीं आ रही है? अरे व्यूअर से पूछ लीजिए आवाज आ रही है कि नहीं। चलिए व्यूअर से पूछ लेते कि आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आपकी कट के आ रही है। लो यही समझ में तो आ रही होगी ना। आप अगर आपने हेडफोन लगाया है ना तो शर्मा किसी ने लिखा कि शर्मा क्या आप शर्मा है या आप माही? शर्मा कौन है? माही हूँ, माही। आवाज कट रही, देखिए सब बोल रहे हैं। अब आपके सवाल नहीं समझ में आएगा, आपको लगे कि आप डिबेट में जीत के चले गए। अब बताइए कितने सारे कट कट, अरे आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है, कट हो रही है, साउंड नहीं आ रही है मेरी आवाज। आप एक काम करो, आप एक काम करो, आपको लगता है ना कि आप जीत गए तो हबीब खोल के सामने रख दीजिए, मेरे बता दीजिए उसमें क्या लिखा है। मैं खोल के सामने रख दूंगा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आपने जो क्लेम किया था कि औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी क्योंकि वो मैं खोल रहा हूँ, मैं इस हदीस खोल रहा हूँ। माही सुनिए सुनिए माही वे, अरे बात सुन लो, अरे सुन तो लो बात, आप कहे इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। चची 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 आवाज कम कट के आ रही है, तोहरा आवाज कट के आ रही है, की करे बा, हाँ की करे बा। अरे हमरा आवाज ना कट के आवे बा, एक काम करो, आवाज कट रही है तो ना, नहीं तोरा आवाज कट रही बा, की बा, खा बा, जा बा। तो ये आपकी लैंग्वेज होगी, इट्स नॉट अ लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल। ये सिवान का भाषा है मेरे भाई, बिहारी क्या, बिहारी आपके नजदीक एजुकेटेड नहीं? सारे आईएएस बिहार से आते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते ना मेरे यहाँ? अरे भाई मैं बिहार और बिहारियों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है? अभी तो आपने सबको अनएजुकेटेड बोल दिया, अभी तो अनएजुकेटेड बोल दिया आपने सबको। एक्चुअली ना बिहारी आपके मुंह से नहीं अच्छी लग रही, भाई जी आवाज कट के आ रही है, नहीं अच्छी लग रही। हाँ ठीक है, मेरी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ, इसीलिए ना की करब करा, मैं बिहारी हूँ। तो आवाज सही करके आइए, कैसे लेंगे आपको, मतलब कि स्ट्रीम में कैसे लेंगे, आवाज नहीं आ रही आपकी। A few moments later, जी माई जी आवाज सही कर लिया? हाँ, अरे वो तो आप लोग बताएंगे ना कि आवाज सही है कि नहीं है, हदीस खुलेगी आज की नहीं खुलेगी? अरे खोलने के लिए तो हम लोग सब चीज रेडी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास में आवाज सही आ रहा है, अच्छे से खोल के रेडी रखिए, अच्छे से खोल के रेडी रखिए, अच्छे से खोल के रेडी रखिए। आवाज मैं बोल तो रही, अच्छे से खोल के रेडी रखिए, ठीक है? तो अब बताइए, मैंने सुना है बड़ी चुल मच गई है, बड़ी चुल मचा दी मैंने, कभी एक्सप्रेस बना रहे हो, कभी सनातनी बना रहे हो, हूँ सिख मैं, इतनी मतलब इतनी आवाज आवाज आ रही है आपको? नहीं भाई कट रही है, आवाज काफी कट रही है, जितने सपोर्ट अरे अच्छा सा इंटरनेट तो दिलवा दो। अरे माही जी को है जी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं माही जी कि आपका रिचार्ज करवा देंगे, आप वाले रिचार्ज करो। अरे हेजलनट है, माही माही तमीज से बात कर रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं, तमीज से मैं भी बात करो, अपना तमीज से मैं भी बात कर ले, संभाल करके संभाल करके, तमीज से बात कर रहे हैं, नीचे जाइए अभी पहले। मुझे ये बताइए सादा भाई के एक्स मुस्लिम बन गए, एथेइस्ट बन गए, फिर भी तमीज नहीं, तमीज भी नहीं कि क्या है, पहले आप बता दो। मैं सिख हूं, आई एम अ प्राउड सिख, जी हां आई एम अ प्राउड सिख। आपने क्या क्लेम किया बना करके, सही बुखारी में 304 में लिखा हुआ है कि औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी क्योंकि उनको हैज आता है,
ठीक है, यही क्लेम किया था आपने। ठीक है जी हाँ। अब मैं खोल रहा हूँ सही बुखारी 304 और उसमें मैं चलाऊंगा कि आपका क्लेम झूठा है और आप सही नहीं बोल। ठीक है, सही बुखारी चची चची एक एक वर्ड थोड़ा लाइन लाइन थोड़ा से पढ़ लीजिए। थोड़ा रुक जा, थोड़ा तो रुक जा चची। चची देखो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाई क्या? बिल्कुल सिखाई। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाई? हिजड़े तो हम ही बोलते पोलियो की दवाई हिजड़े बचपन। हाँ हिजड़े तो हम ही बोल रहे हैं, छक्के तो हम ही बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या है कि नहीं? हिजरतुल मुर्तदीन के फॉलोअर तो हम ही है यहाँ पर, है कि नहीं? तमीज तो तुम्हें, तुम्हारी कमीज में सारा तमीज घुसा हुआ है कि नहीं? माई सुन लो, सुन लो, जब आई हो तो सुनी के चल जाओ। यहाँ बैक स्टेज कर रहा है वो बड़ा वाला, चल निकल, तमीज नहीं है तो बाहर। दो लात मारेंगे हम यहाँ पर, दो नहीं चार लात पड़ेगा मेरे। इन लोग के अंदर कितने तमीज है मुझे पता है। ऐसे भी ये हदीस हम लोगों ने पिछले बार डील कर ही लिया है, फिर भी एक बार और सही, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस तो है। मैं 200 से ज्यादा वीडियो जवाब दिए, क्या करें? यहाँ पर क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि जहन्नम में क्यों जाएंगी, क्योंकि वो कर्ज करती फ्रिक्वेंटली और अनग्रेटफुल रहती। तो जो इस चची का क्लेम है वो सही नहीं है, ठीक है ना? अब इस बार से तो सबको, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई को लग रहा था कि क्यों आपने जवाब नहीं दिया, क्यों आपने स्ट्रीम नहीं खोला शताब भाई, आपने खोल, आप खोल देते। अरे भाई हम तो खोलने के लिए रेडी है, हम तो सब चीज खोल देंगे, लेकिन बात यह है कि वो सामने वाला सुनने को तो तैयार हो, सामने वाला थोड़े से तो तमीज रखे, थोड़ी से तो पेशेंस रखे। अब ये अजीब सी नागिन स्ट्रक्चर आ जाती है। मुझे नहीं लगता अगर ये शादी शुदा है तो उनके हस्बैंड खुश होंगे या फिर माँ बाप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तमीज हमें सिखा रही है, बताइए, तमीज हम लोगों को सिखा रही है कि आपके अंदर तमीज नहीं। ये हिजड़े बोल रही है, ये छक्के बोल रही है, ये गालियां दे रही है जो मुझे नीचे करता वो ये है, बताइए। और उसके बाद तमीज हमें सिखा रही है। मैं सोचा कि इंसानियत ज्यादा रजती होगी इनके पास में, लेकिन 1% इंसानियत वाला तब नहीं है। इंसानियत का तो कुछ नहीं, सुनसानियत है, इंसानियत कुछ नहीं। ये बात भी है। 2000 years later मनसिरत कौर को है जी। मनसिरत भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये सिस्टर है भी, मेरी आवाज आ रही है सही से जी? बड़ा आपने कॉल कर दिया, सारी चीजें कर दी, तो अब चलिए, मैं तो अपने ओरिजिनल नाम से भी आ गई, अब तो अब चलिए हदीस पे बात करते हैं। आप माही जी है जी? हाँ ठीक है, आप माही जी है, आपका जो क्लेम है माही जी, मनसिरत जी, आपका जो क्लेम है कि औरतें ज्यादा होंगी जहन्नम में क्योंकि उनको हैज आता है या मेंस्ट्रुएशन आता है, यही क्लेम है आपका? हाँ जी मेरा यही क्लेम है। ठीक है, अब मैं हदीस खोल रहा हूँ और आप, इंग्लिश आता है ना आपको? हाँ जी मेरे को आती है इंग्लिश। बिल्कुल आपको इंग्लिश आता है, आप पढ़िएगा और ये हमको बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। पहली चीज, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आप लोग? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्लियर नहीं करवाना ना। अरे बात मनसिरत जी, मनसिरत बात सुनते ही नहीं। मनसिरत जी मैं बात सुनूंगा, इतना टाइम ठीक है ना दिया है आपको, फिर से दे रहा हूँ। इतना कोई भी एक्स मुस्लिम के अंदर में हिम्मत नहीं है या इतना ये नहीं, औकात नहीं कि बार बार लेकर के बात करें, ठीक है ना मनसिरत जी? आप किसी भी एक्स मुस्लिम चैनल पे जाइएगा, आपको 2 लाख मार के वो निकाल देगा, ठीक है ना? पहला बात मेरे भाई, मैं पहले तो एक्स मुस्लिम हूँ, आप मेरे को बार 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 आप एक्स मुस्लिम, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्स मुस्लिम आपको इतना एंटरटेन नहीं करेंगे बार बार, मैं फिर भी एंटरटेन कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, आप हदीस पे बात करते हैं, हदीस पे बात करते हैं, आप पढ़िए यहाँ पर के गिव आर्म्स, ठीक है, आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ ड्वेलर्स ऑफ हेलफायर, पढ़िए पढ़िए इस लाइन को पढ़िए, क्या मतलब? आई हैव सीन दैट द मेजॉरिटी ऑफ द ड्वेलर्स ऑफ हेलफायर वर यू, दैट मींस वुमेन। यहाँ पे वुमेन से कहा जा रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम औरतों को ही देखा है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों दे क्यों देखा है, why it is so, ठीक है, ठीक है, he replied, you curse frequently and ungrateful to your husband, तुम लोग जो है अपने हस्बैंड से अनग्रेटफुल हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए, इससे आपको क्या समझ में आया कि क्यों जहन्नम में ज्यादा है वो, मेंस्ट्रुएशन की वजह से या कोई और वजह से? अरे पूरी
पूरी तो पढ़िए, इसको एक एक काम करिए, पूरी बात नहीं पढ़ूंगा, पहले यहाँ पे जो रीजन है वो मुझे बताइए, यहाँ मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है, इस चीज बताई गई है, मंसिरत बताई गई है, शादाब भाई, मंसिरत जी मैं आपको जी लगा के बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं भी आपसे भाई भाई करके बात कर रही हूँ, ठीक है मैं भी आपसे भाई भाई करके बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे स्टेजेस स्टेजेस यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, सुनो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, हर कोई आंख रखने वाला शख्स जो भी इसको देख रहा है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या वजह है जहन्नम में जाने की। अब सबसे पहले आप मुझको ये बोलिएगा मंसिरत जी कि ये क्लेम मेरा जो था ये झूठा था और मुझे एक्स मुस्लिम ने इसमें भ्रमित किया था, नहीं ये क्लेम मेरा झूठा नहीं है, लो बाहर जाओ, गेट लॉस्ट मुझे बात नहीं करना, गेट लॉस्ट, निकल यहां से, निकल। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।